बच्चों, हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 अध्याय 6, जिसका नाम है पूर्णांक। बच्चों, हमने इसका एक भाग पूरा कर लिया था जिसमें हमने सीखा था पूर्णांक क्या होता है, उन्हें संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। बच्चों, आज हम इसका दूसरा भाग शुरू करेंगे जिसमें हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 6.1। इसके 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। तो बच्चों, कॉपी पेन लेके साथ बैठना है और सारे क्वेश्चन हल करने हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। हमें कुछ लिखा हुआ है उसके विपरीत लिखना है, यानी जो भी क्वेश्चन में है ना उसके जो विपरीत चीज है वो चीज हमें बतानी है। तो सबसे पहले ए देखो, ए क्या है? भार में वृद्धि, भार में वृद्धि हो रही है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? बच्चों, वृद्धि का विपरीत क्या होता है? कमी। तो हम भार में वृद्धि का विपरीत क्या हो जाएगा? भार में कमी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ए का उत्तर क्या हो जाएगा? भार में कमी। वृद्धि का विपरीत कमी होता है, तो भार में वृद्धि का विपरीत भार में कमी। ठीक है बच्चों, बी देखो इसका, 30 किमी उत्तर दिशा। बच्चों, मैंने आपको दिशाएं समझाई थी कि दिशाएं कौन सी दिशा किस तरफ होती है। बच्चों देखो, ये दिशाएं होती है जिसमें ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? अब मुझे ये बताओ, उत्तर दिशा की विपरीत दिशा कौन सी है? उत्तर किधर है? इस तरफ उत्तर है, तो इसके विपरीत दिशा है दक्षिण दिशा। तो बच्चों, 30 किमी किलोमीटर उत्तर दिशा का विपरीत क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। तो हम लिखेंगे बी में, 30 किमी दक्षिण दिशा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? 30 किमी उत्तर दिशा का विपरीत क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। ठीक है, सबको समझ में आया भी? अब देखो, अब देखेंगे इसका सी, 80 मीटर पूरव। बच्चों, अभी मैंने बताया था उत्तर का विपरीत दक्षिण होता है, तो पूरव का विपरीत पश्चिम होता है। तो 80 मीटर पूरव का क्या हो जाएगा? 80 मीटर पश्चिम। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? 80 मीटर पूरव का विपरीत क्या हो जाएगा? 80 मीटर पश्चिम। बच्चों, सी भी समझ में आ गया इसका? बच्चों, हमें केवल ध्यान रखना है कि जैसे पूरव है, पूरव का विपरीत पश्चिम होता है, लाभ का हानि होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, ऊपर का नीचे होता है, वृद्धि का कमी होता है, इस प्रकार हमें विपरीत शब्द लिखने हैं। तो 80 मीटर पूरव का 80 मीटर पश्चिम। ठीक है बच्चों, अब देखो, ₹700 की हानि। बच्चों, हानि का विपरीत क्या होता है? हानि का विपरीत होता है लाभ। तो बच्चों, ₹700 की हानि को हम क्या लिखेंगे? ₹700 का लाभ। तो मैं लिख रहा हूं ₹700 का लाभ। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ₹700 की हानि का विपरीत क्या हो जाएगा? ₹700 का लाभ। बच्चों, समझ में आ गया सभी को डी वाला क्वेश्चन भी? देखो बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। अब बच्चों, समुद्र तल है उसको अगर 0 माने, जैसे बच्चों देखो ये समुद्र तल है, ये पूरा समुद्र है, तो जिसका तल होता है ना वो कहलाता है समुद्र तल। तो समुद्र तल को 0 माने तो इसके ऊपर ऊपर की दिशा और नीचे नीचे की दिशा, तो ऊपर का विपरीत क्या हो जाएगा? नीचे, नीचे का विपरीत ऊपर। तो समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का विपरीत क्या हो जाएगा? समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। तो हम क्या लिखेंगे? समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? विपरीत लिखना है, ऊपर का विपरीत नीचे होता है, तो समुद्र से 100 मीटर ऊपर था तो इसका विपरीत हो गया समुद्र से 100 मीटर नीचे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को पहला क्वेश्चन? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। हमें कुछ संख्याएं दी हुई है, उनको पूर्णांकों के रूप में लिखना है और उचित चिन्ह भी लगाना है कि प्लस की आएगी संख्या या माइनस की आएगी। तो बच्चों, सबसे पहले ए देखो, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है।
एक हवाई जहाज है जो जमीन से कितनी ऊंचाई पर बच्चों 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? देखो बच्चों, ये जमीन है, इतनी ऊंचाई है 2000 मीटर, यहां है कोई प्लेन, ठीक है बच्चों, तो जमीन से ऊपर है तो इसको हम लिखेंगे प्लस चिन्ह के साथ, अगर जमीन से नीचे होता तो माइनस चिन्ह आता, लेकिन ये क्या है, जमीन से ऊपर है तो हम इसको लिखेंगे प्लस चिन्ह के साथ। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे इसमें, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, पूर्णांक हो जाएगा प्लस का 2000। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, 2000 मीटर था तो पूर्णांक तो 2000 हो गया, अब उसके चिन्ह लगाना था, तो हम क्या मानेंगे कि ऊपर की संख्या हमको प्लस लेंगे और नीचे की संख्या को माइनस लेंगे। विपरीत परिस्थितियों के लिए यही तो काम में लेते हैं बच्चों, जैसे लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस, ऊपर के लिए प्लस, नीचे के लिए माइनस, इस प्रकार काम में लेना है चिन्हों को। तो 2000 मीटर ऊपर की ओर था तो हमने क्या लिख दिया, प्लस 2000, तो हमारा पूर्णांक आ गया प्लस 2000। बच्चों समझ में आया सभी को ए वाला क्वेश्चन? अब देखो बी, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। एक पनडुब्बी है जो समुद्र के तल से 800 मीटर गहराई में, यानी नीचे की ओर है, जैसे बच्चों ये समुद्र तल है तो पनडुब्बी कहां चल रही है, यहां पनडुब्बी है और कितनी गहराई में है, 800 मीटर। तो बच्चों समुद्र तल को जीरो माने तो नीचे की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में, ऊपर की दूरी प्लस में लेते हैं तो नीचे की दूरी माइनस में हो जाएगी, तो हमारा पूर्णांक क्या आ जाएगा बच्चों, पूर्णांक हो जाएगा माइनस का 800। ठीक है बच्चों समझ में आया सभी को, माइनस 800 पूर्णांक हो जाएगा। बी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो इसका सी, सी क्या है कि खाते में रुपए 200 जमा कराना, 200 रुपए खाते में जमा कराना, और जमा कराने का विपरीत क्या होता है बच्चों, निकालना, तो 200 रुपए जमा कराने को प्लस चिन्ह से लिखेंगे और अगर निकाल रहे होते तो माइनस चिन्ह लगाते, तो हम लिखेंगे हमारा पूर्णांक क्या आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा प्लस 200, क्योंकि हम जमा करा रहे हैं तो जमा कराने को प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे और निकालने को माइनस चिन्ह से, तो हमारा पूर्णांक आ गया प्लस 200 और चिन्ह लगा दिया हमने प्लस का। ठीक है बच्चों समझ में आया सभी को? अब देखो इसका डी, खाते में से रुपए 700 निकालना। बच्चों अभी हमने जमा कराने को प्लस चिन्ह से लिखा था, तो निकालने को किस चिन्ह से लिखेंगे, माइनस के चिन्ह से, तो हमारा पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक आ गया माइनस 700। ठीक है बच्चों समझ में आया सभी को, पूर्णांक क्या हो गया, माइनस 700। माइनस चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि खाते से पैसे निकाल रहे हैं, जमा कराते हैं तो प्लस चिन्ह और निकालते हैं तो माइनस चिन्ह। ठीक है बच्चों समझ गए सभी, माइनस का चिन्ह आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब हमें एक पूर्णांक दिया हुआ है और उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है कि संख्या रेखा पर कहां स्थित होगा। बच्चों संख्या रेखा सबको याद है कैसे बनी, एक सीधी लाइन खींचनी है और बीच में क्या आएगा बच्चों, बीच में आता है जीरो, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरफ -1, -2, -3, -4, इस प्रकार पूर्णांकों को व्यवस्थित किया जाता है। ये क्या है, संख्या रेखा। ठीक है बच्चों संख्या रेखा समझ गए सभी, संख्या रेखा है। अब हमें क्या दर्शाना है, प्लस 5। बच्चों प्लस 5 कौन सा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है? बच्चों चिन्ह किसका लग रहा है, प्लस का, तो ये धनात्मक पूर्णांक है, तो जीरो से दाईं तरफ होगा, कितने 5 अंक, तो 5 देखो कहां है, जीरो से दाईं तरफ 5, ये रहा किस लाइन पे, इस जगह पर, तो इस जगह पर हम लिख देंगे प्लस 5। तो ये हमारा संख्या रेखा पर प्लस 5 आ गया, किस जगह पर, इस वाले बिंदु पर, क्या है, प्लस का 5 है। बच्चों संख्या रेखा पर प्लस 5 दर्शाना आ गया सभी को। अगर हम और कोई बोले जीरो का है तो जीरो यहाँ है, प्लस 1 ये रहा, माइनस 1 ये रहा, इस प्रकार हम कोई भी संख्या को संख्या रेखा पर बता सकते हैं कि कहाँ स्थित है। बच्चों ए समझ में आया सभी को? अब देखो इसका बी, -10, संख्या रेखा पर क्या समझाना है, क्या दर्शाना है, -10 को, तो बच्चों वही संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है बच्चों
ये अपन ने बना लिया 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, माइनस 10, और इधर प्लस वाली धनात्मक 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार संख्या रेखा पर संख्याएं होती है। अब हमें बताना है कि माइनस 10 कहाँ है, तो माइनस 10 जीरो से बाईं तरफ होगा, जीरो के इस तरफ। तो बच्चों देखो, ये माइनस 1, 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, ये रहा माइनस 10। तो इस बिंदु पर क्या है, माइनस 10। तो हमने संख्या रेखा पर बता दिया कि माइनस 10 कहाँ स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी माइनस 10 कहाँ है, इस बिंदु पर, यहाँ माइनस 10 स्थित है। तो संख्या रेखा पर हमें कोई भी संख्या दर्शानी हो तो हम वहाँ जाकर उस लाइन पर हम दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो सी, प्लस 8। तो प्लस 8 के लिए सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये संख्या रेखा हो गई। हमें क्या दर्शाना है, प्लस का 8। प्लस 8 कहाँ होगा, जीरो के दाईं तरफ होगा। जीरो के दाईं तरफ प्लस 8 देखो कहाँ है, ये रहा प्लस 8। तो ये वाला लाइन या ये वाली बिंदु क्या हो जाएगी, प्लस 8। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं। तो प्लस 8 हमने बता दिया कहाँ स्थित है, वो रहा प्लस 8। बच्चों समझ में आया सभी को। अगला देखो, माइनस 1। अब माइनस 1 दर्शाना है तो पहले संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में 0, 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। अब बच्चों बताओ माइनस 1 कहाँ स्थित है, माइनस 1 है जीरो के बाईं तरफ, और एक स्थान एक कदम चलते ही क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। तो बच्चों ये वाली लाइन है, ये क्या है, माइनस 1। बच्चों समझ में आया सभी को, संख्या रेखा पर संख्याएं कैसे दर्शाते हैं। बच्चों अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 में, अगला है माइनस 6। माइनस 6 दर्शाना है कि माइनस 6 कहाँ स्थित है। तो बच्चों संख्या रेखा बनाएंगे, ये 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 6, 1, 2, 3, 4। और बच्चों ये संख्याएं आगे अनंत तक चलती रहती है, इसलिए संख्या रेखा का मान अनंत तक जाता है। ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है कि ये लाइन आगे तक बढ़ाएंगे तो और भी संख्याएं आगे आती जाएगी। बच्चों माइनस 6 कहाँ है, पहले तो बताओ जीरो के दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ। तो माइनस की संख्याएं जीरो के बाईं तरफ होती है, यानी बाएं हाथ की तरफ होगी। तो अब देखो माइनस 6 कहाँ है, ये माइनस 1, ये माइनस का 2, ये माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 और ये माइनस 6। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, माइनस 6। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। माइनस 6 को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। बच्चों संख्या रेखा पर कोई भी संख्या दर्शानी आ गई, अब आपको किसी भी पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया सभी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में एक आकृति दी हुई है, इस आकृति को ध्यान से देखो। ये संख्या रेखा ही है, इसको केवल सीधा कर दिया है। पहले ऐसे होती थी संख्या रेखा, अब इसको ऐसे खड़ा कर दिया है। बीच में क्या है, सबसे बीच में 0, ये वाली लाइन देखो, 0 दिखा रही है सबको। इसको नाम दिया है O, क्या नाम दिया है, O बिंदु। अब देखो संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। ये 0 है बच्चों। अब हमें निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करने हैं कि किस स्थान पर कौन सा बिंदु है। बच्चों सबसे पहले A देखो इसका, यदि बिंदु D पूर्णांक प्लस 8 है। बिंदु D कहाँ है, पहले तो D देखो। तो D बिंदु ये रहा, यहाँ पर क्या है, बिंदु D, और इसका मान कितना है, प्लस 8। यानी 0 से इस तरफ प्लस की संख्याएं लेनी है और 0 से नीचे की ओर माइनस की संख्या लेनी है, यानी माइनस के पूर्णांक लेने हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ गए सभी कि 0 से ऊपर प्लस के पूर्णांक और 0 से नीचे माइनस के पूर्णांक लेने हैं। डी पूर्णांक प्लस 8 है, तो माइनस 8 वाला बिंदु कौन सा है। बच्चों देखो प्लस 8 वाला बिंदु तो है डी, और हमें बताना है माइनस 8 वाला बिंदु कौन सा है। तो पहले तो डी देखो कितनी दूर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जब हम 8 कदम चले तो प्लस 8 आया,
ऐसे ही हम नीचे की ओर 8 कदम चलेंगे तो -8 आना चाहिए। तो बच्चों देखो, नीचे की ओर 8 कदम चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कदम चलने पर क्या आएगा? -8। और ये बिंदु कौन सा है? बिंदु F है। कौन सा है बच्चों? F बिंदु। तो हम लिखेंगे कि D का पूर्णांक +8 था, तो हम लिखेंगे -8 का पूर्णांक वाला बिंदु F है। कौन सा बिंदु है बच्चों? F बिंदु। कैसे पता चला? कि हम जीरो से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कदम आए तो हमारा -8 आ गया, और बिंदु का नाम क्या है यहाँ पर? F बिंदु। तो F बिंदु -8 का पूर्णांक वाला बिंदु है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? कैसे किया हमने? A +8, 8 कदम चलने पर +8 आ रहा था, तो नीचे की ओर 8 कदम चलेंगे तो -8 आना चाहिए, तो नीचे की ओर 8 कदम आए तो F बिंदु आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो इसका B, क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक है? बच्चों हमें बताना है G ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों पहले देखो G कहाँ स्थित है, ये पहला 0 हो गया, 0 के ऊपर प्लस का पूर्णांक है और नीचे माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों G कहाँ है? G ये वाला बिंदु है, और ये वाला बिंदु कितना है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये बिंदु है -6। तो बच्चों G धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो हम बताएंगे बच्चों G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे G का मान -6 है, अतः G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? G का मान कितना आया? -6 है, इसलिए G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। बच्चों समझ गए B वाला क्वेश्चन सभी? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर C, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। हमें बिंदु B और बिंदु E के जो पूर्णांक है उनका मान लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो 0 कहाँ है? ये 0 है बीच में। अब बिंदु B कहाँ है? बिंदु B है ये वाला बिंदु। बच्चों सबसे पहले ये बताओ, जब हम 0 से ऊपर की ओर जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक आएंगे, और 0 से नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे। तो पहले देखो ऊपर की ओर चलते हैं, तो 0 से देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। जब हम 4 कदम चलेंगे तो मान क्या आएगा? प्लस का 4। बच्चों जितने कदम कर चल रहे हैं उतने ही तो मान आएगा, तो 4 कदम चलने पर +4 मान आएगा। और बिंदु कौन सा है? B। तो बच्चों B का बिंदु B का मान कितना हो जाएगा? बिंदु B का मान आ गया +4। ऐसे ही बच्चों बिंदु E कहाँ स्थित है? बिंदु E है ये वाला बिंदु, सबसे आखिरी बिंदु है ना, वो है बिंदु E। तो यहाँ देखो कितने कदम चलने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने कदम चले बच्चों? 0 से चलना है, 0 से शुरू करते हुए 10 कदम चलेंगे तो क्या आएगा? -10, क्योंकि नीचे की ओर जा रहे हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे, और 10 कदम चले हैं तो -10 आ गया मान। और बिंदु कौन सा है? ई बिंदु। तो हम लिखेंगे बिंदु ई का मान कितना हो जाएगा? बिंदु ई का मान है -10। तो हमने दोनों बिंदुओं के मान निकाल लिए। बच्चों समझ में आया सभी को? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या सी भी पूरा हो गया है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 का डी, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? बच्चों हमें क्या बताना है कि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु है ना, इनमें से सबसे कम किसका मान, कौन से बिंदु का मान सबसे कम है? तो बच्चों सबसे पहले देखो इसके मान लिखते हैं, यहां पर 0 है तो ए बिंदु का मान कितना होगा? ए बिंदु देखो कितनी दूर है, 1, 2, तो इसका मान हो गया +2, 3, 4, तो B का मान है +4, C का मान है +5 और D का मान दिया हुआ है +8। ऊपर के धनात्मक पूर्णांक सभी लिख दिए। अब देखो नीचे की ओर 1, 2, H का मान हो जाएगा -2, 3, 4, 5, 6, G का मान कितना है? -6, F का मान -8 और E का मान -10।
बच्चों सभी के मान हमने लिख दिए, सभी संख्याओं के सभी बिंदुओं के मान हमें पता चल गए। अब इनमें सबसे कम यानी सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो बच्चों हमें पता है संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक सबसे छोटे होते हैं, और ऋणात्मक में भी जब हम बाईं ओर चलते हैं तो मान घटता रहता है। तो इसी प्रकार जब हम नीचे चलेंगे तो मान सबसे कम होता रहेगा। तो सबसे आखिर में कौन सा बिंदु है? बिंदु ई, और उसका मान कितना है? -10। तो हमें किसका मान सबसे कम है? तो हम लिखेंगे बिंदु ई का मान सबसे कम है। और बिंदु ई का मान कितना है? बिंदु ई का मान बराबर -10। ठीक है बच्चों, सभी समझ गए सबसे कम किस बिंदु का मान है? बिंदु ई का मान सबसे कम है और कितना है? -10 के बराबर है। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन सबके समझ में आ गया अच्छे से, मैंने अच्छी तरह एक एक पॉइंट लेके सबको समझाया है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और बच्चों अपनी कॉपी पेन साथ रखना है और सभी को उतारते भी रहना है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 का ई। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। बच्चों चौथा क्वेश्चन का ई क्या है? सभी बिंदुओं को उनके मान के घटते क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो बच्चों देखो इनके मान लिखते हैं, पहले तो 0 है ए वाले बिंदु का मान +2, क्योंकि देखो 2 कदम चल लेंगे तो +2, बी का +4, सी का +5 और डी का +8। ठीक है बच्चों इतना दिया हुआ है। अब देखो एच का मान -2, जी का कितना हो जाएगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जी का -6, एफ का -8 और ई का -10। बच्चों सभी के मान तो हमने पता कर लिए, अब इनको घटते क्रम में लिखना है। तो पहले सबसे पहले डी बिंदु, तो सबसे पहले डी, फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा सी बिंदु, डी के बाद सी बिंदु, सी के बाद बी बिंदु, उनके बाद आएगा ए बिंदु, ए के बाद एच, फिर जी, फिर एफ और लास्ट में ई बिंदु। ठीक है बच्चों, हमने सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिख दिए और इनके मान भी हम लिख देंगे कि कितना मान है। तो इसका मान है +8, +5, +4, +2, -2, -6, -8 और -10। ये सभी मान हमने लिख दिए हैं और सभी घटते क्रम में हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट वाला ई बिंदु सबसे छोटा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया सभी को? ई वाला ई क्वेश्चन नंबर ई सबके समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, इसको उतार लो अपनी कॉपी में। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। एक विशेष दिन पर भारत के 5 शहरों के तापमान लिए गए और कितने थे? देखो बच्चों सियाचिन का तापमान था 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। ठीक है बच्चों, शिमला का कितना था? 0 से 2 डिग्री नीचे। अहमदाबाद का 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर। दिल्ली का 0 से 20 डिग्री ऊपर। श्रीनगर का 0 से 5 डिग्री नीचे। ये सभी तापमान हमें एक दिन पता चले। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्तंभ में भरिए या लिखिए। अब आगे हमें रिक्त स्थान दिया हुआ है तो इन तापमान को हमें पूर्णांक के रूप में लिखना है और चिन्ह भी लगाना है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? सबसे पहले देखो सियाचिन का 0 से 10 डिग्री नीचे। अब बच्चों देखो 0 डिग्री को हम मध्य में माने तो 0 से ऊपर की संख्या को प्लस में लिखेंगे और नीचे की संख्या को माइनस में लिखेंगे। तो बच्चों देखो 0 से 10 डिग्री नीचे, तो 10 डिग्री नीचे का मतलब क्या है? तापमान तो 10 डिग्री है लेकिन प्लस का है या माइनस का? तो बच्चों हम माइनस का लिखेंगे क्योंकि 0 से नीचे की ओर है, तो इसमें पूर्णांक आ जाएगा -10। बच्चों सियाचिन में पूर्णांक कितना आएगा? -10। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 0 से 2 डिग्री नीचे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे को क्या लिखेंगे? नीचे की ओर ही है तो -2। बच्चों दिख रहा है सभी को? -2 लिख दिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर।
अब जीरो से ऊपर की संख्या आ गई तो इसको लिखेंगे प्लस के अंदर, तो प्लस का 30 डिग्री, तो प्लस 30 हो गया पूर्णांक। अगला देखो, जीरो से 20 डिग्री ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस का 20। और लास्ट है जीरो से 5 डिग्री नीचे, तो इसमें आएगा माइनस का 5। तो हमने सभी शहरों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिख दिया और चिन्ह भी साथ में लगा दिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ये पूरा हो गया। देखो हमने सभी के तापमान लिख दिए और प्लस और माइनस चिन्ह भी साथ लगा दिया है। तो बच्चों पूर्णांक रूप में लिख दिया सभी को, समझ में आया सभी के? क्वेश्चन नंबर ए, पांचवे का ए पूरा हो गया। बच्चों ध्यान से समझो कैसे किया, नीचे वाली संख्या के लिए माइनस और ऊपर वाली संख्या के लिए प्लस का यूज करना है, ठीक है बच्चों? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर बी, बी क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। हमें एक संख्या रेखा दी हुई है और नीचे संख्या लिखी हुई है जो कि तापमान को निरूपित कर रही है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमान के संगत अंकित कीजिए। अभी हमने जितने भी तापमान लिखे उन शहरों के नाम लिखने हैं यहां। तो बच्चों सबसे पहले देखो सियाचिन का तापमान कितना है, सियाचिन का तापमान है माइनस के 10 डिग्री, तो अभी माइनस 10 के ऊपर क्या लिखना होगा उस संख्या रेखा पर, सियाचिन। तो बच्चों देखो माइनस 10 कहां है, सबसे पहले बताओ जीरो कहां है, ये वाली लाइन क्या है, जीरो। तो माइनस 10 दाईं ओर होगा या बाईं ओर, तो बच्चों हमें पता है ऋणात्मक पूर्णांक बाईं ओर होते हैं, तो बाईं ओर देखो माइनस 10 ये रहा, ठीक है बच्चों? इस वाली लाइन पे हम लिखेंगे सियाचिन, क्या लिखेंगे, सियाचिन। इस प्रकार हमें संख्या रेखा पर शहरों के नाम लिखने हैं, तो माइनस 10 पे क्या लिख दिया, सियाचिन। आगे देखो शिमला, शिमला कितना है माइनस 2, तो माइनस 2 पे लिखना है शिमला। तो अब देखो माइनस 2 कहां होगा, बच्चों देखो यहां 0 है यहां माइनस 5 है, माइनस 2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो अब देखो 0 और माइनस 5 के बीच में चार लाइनें और लिख रही है, बीच में देखो छोटी छोटी चार लाइनें हैं, वो क्या दर्शा रही है कि 0 फिर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और लास्ट में जो बीच में बड़ी है ना वो माइनस 5 है। तो बच्चों माइनस 2 कहां होगा, तो 0 से 1 और 2 ये वाली जो लाइन है ना ये लाइन होगी हमारा शिमला, और इसका मान कितना है माइनस का 2, ठीक है बच्चों? समझ गए सभी, माइनस 2 के ऊपर हमने क्या लिख दिया, शिमला। आगे देखो अहमदाबाद कितना है, प्लस का 30, प्लस 30 पे हमें अहमदाबाद लिखना है। तो बच्चों प्लस 30 जीरो के दाईं तरफ होगा, दाईं तरफ देखो 30 का है ये रहा, तो इस लाइन पे हमारे हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है बच्चों समझ गए सभी, तो 30 के ऊपर वाली लाइन पे हमने लिख दिया अहमदाबाद। अब आगे देखो, आगे है दिल्ली, दिल्ली का तापमान कितना है, प्लस 20, तो प्लस 20 के ऊपर हम लिख देंगे दिल्ली, तो प्लस 20 जीरो के दाईं तरफ ये रहा प्लस 20, और इस लाइन पे हम लिखेंगे दिल्ली। बच्चों सभी शहरों के तापमान इस संख्या रेखा पर दर्शाने हैं, ठीक है बच्चों? दिल्ली लिख दिया हमने। आगे देखो श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान कितना है, माइनस 5, तो माइनस 5 के ऊपर लिखेंगे श्रीनगर। माइनस 5 बच्चों जीरो से बाईं ओर ये रहा माइनस 5, तो इस माइनस 5 पे हम लिख देंगे श्रीनगर, ठीक है बच्चों? सभी समझ गए, श्रीनगर लिख दिया हमने। तो हमने सभी पांचों शहरों के नाम इस संख्या रेखा पर लिख दिए हैं। इस संख्या रेखा पर अब देखो लाइन खींच के और नाम लिख लो, अपनी किताब में लिख लो या कॉपी में बना के उसमें लिख लो। बच्चों समझ में आया बी वाला क्वेश्चन सभी को, संख्या रेखा पर हमने पूर्णांकों के ऊपर सभी शहरों के तापमान के ऊपर उनके नाम लिख दिए, ठीक है बच्चों? बी समझ में आ गया। अब देखो इसका सी, सी क्या है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, ये जितने भी तापमान दिए हुए हैं इनमें सबसे ठंडा कौन सा स्थान है। तो पहले तो देखो इनका तापमान देखो, 10 डिग्री नीचे का माइनस 10, 2 डिग्री नीचे माइनस 2, 30 डिग्री ऊपर प्लस 30, 20 डिग्री ऊपर प्लस 20 और 5 डिग्री नीचे का माइनस 5। ये सभी के तापमान हमने लिखे थे ए में। अब देखो हमें पूछ रहा है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो सबसे ठंडा स्थान क्या होगा, जिसका तापमान सबसे कम होगा। तो इन सभी में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो माइनस वाली संख्या ही छोटी होती है,
और उनमें भी जब बाई ओर चलते हैं ना संख्या रेखा पर, तो मान बढ़ता रहता है, जैसे -10, -15, लेकिन संख्याओं का मान तो छोटा होता है ना, संख्या तो बढ़ रही है लेकिन उनका मान छोटा होता रहता है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है -10। कौन सी संख्या बच्चों? -10 वाली संख्या सबसे छोटी है, और किसका है? सियाचिन का तापमान है। तो कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो हम लिखेंगे सियाचिन का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सबसे कम है। अतः सबसे ठंडा स्थान सियाचिन है। बच्चों सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा? सियाचिन का स्थान सबसे ठंडा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 का? सी वाला पूछा था कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो सबसे ठंडा स्थान है सियाचिन। बच्चों सी समझ गए सभी? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या पूछ रहे हैं कि उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, यानी जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर यानी प्लस में 10 से बड़े है ना, उन शहरों के नाम लिखने हैं। तो पहले तो तापमान देखो, 10 नीचे है तो -10, -2, +30, +20 और -5। अब इसमें 10 डिग्री से ऊपर वाले तापमान कौन कौन से हैं? तो बच्चों देखो 10 से ऊपर ये -10 भी 10 से कम है, -10 भी 10 से कम है, लेकिन +20 और +30 ये दोनों तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हैं, तो इन दोनों शहरों के हमें नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो अहमदाबाद और एक दिल्ली। तो उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है, तो हम लिखेंगे पहला तो है अहमदाबाद और दूसरा हो जाएगा दिल्ली। ये हमारे दोनों उत्तर हो गए। ठीक है बच्चों, दो शहरों के नाम लिख दिए हमने जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर था। बच्चों समझ में आया सभी को? अहमदाबाद और दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा हो गया है। बच्चों आज हमने प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पूरे कर लिए हैं, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू।